तारीख 29 अगस्त, जगह उत्तर प्रदेश का बहराइच, वक्त रात करीब 10 बजे। दीवानपुरा गांव में अभी अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, सिर्फ आवाज आ रही है। एबीपी न्यूज बहराइच के उसी दीवानपुरवा गांव में मौजूद था जहां सोमवार रात को एक भेड़िया 5 साल के आयांश को दबोच ले गया था और अगली सुबह उसका लहूलुहान शव मिला था। जहां से भी आवाज आ रही, जहां से भी शोर है, उस तरफ लाठी डंडे लेकर के ये ग्रामीण भाग रहे हैं। दहशत का आलम है। गांव में एक बच्चे की मौत के बाद गांव वाले पहरा दे रहे थे। वो खेत की तरफ जा रहे थे कि अचानक आवाज आती है कि भेड़िया घूम रहा है, और फिर क्या होता है वो देखिए। हर छोटी बड़ी आवाज पर कुछ तरह दौड़ पड़ते हैं क्योंकि उनको ये आशंका है कि इस खेत में वो भेड़िया छुपा हो सकता है जो लगातार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है। इस खेत के भीतर, ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है, यहाँ जहाँ से भी शोर आता है ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ से जो शोर आया था उसके बाद भेड़िए को खदेड़ने के लिए सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो खेतों में जा घुसे हैं। और कोशिश ये है कि वन विभाग या अन्य तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण खुद चाहते हैं कि वो खुद भेड़िए से दो दो हाथ करें और उसके आतंक का खात्मा करें। हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे के बीच खेतों में जा रहे थे, और आपकी स्क्रीन पर जो लाइट दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भेड़िया दिखा और गांव वाले खेत की तरफ भागे, उस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे की लाइट वहां जल रही थी। देखिए, ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं कि ग्रामीणों की मनोदशा क्या है, वो कितने खौफ में जी रहे हैं, वो कितने भय में हैं। और हर जगह जहां से भी आवाज आती है उधर बढ़ते हैं और आगे भेड़िए को हांक करके दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे गन्ने के खेत में घुसे गांव वाले भेड़िए की तलाश में चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। अभी अभी यहाँ से जो शोर आया था उसके बाद, उस तरफ दिखाइए प्रेम जी, उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान। और ये पहली बार नहीं है, गांव के लोगों ने बुधवार रात को भी 2 बार भेड़िया देखा था और वो इसी खेतों में उसके पीछे भागे थे। लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए इतने चालाक हैं कि पल भर में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वन विभाग के मुताबिक बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों वाला झुंड ही बार बार हमला कर रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग से लेकर पुलिस महकमा और गांव वाले तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर भेड़िया देखा गया और ग्रामीण उस ओर भागे थे। किसने देखा सबसे पहले भेड़िया यहाँ? चाचा ने देखा। आपने देखा था? जी जी। किस तरफ से था? उत्तर साइड, दक्षिण साइड से, उत्तर साइड से दक्षिण साइड को भागा है। एक था या झुंड था पूरा? जी, एक था। जी, भेड़िया और सियार में फर्क समझते हैं ना? जी जी, भेड़िया ही था। जी, भेड़िया ही था। अच्छा, तो फिर आपने दौड़ाया, कहीं दिखा, नजर आया खेतों? जी जी, खेतों में आया, मकई के खेत में घुस गया। भदेड़ के लाए हैं और मक्के खेत में इसमें घुसा हुआ है, मक्का में, तभी तो हम लोग घेरे हैं। बहुत फास्ट भागता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग 3 रात से बराबर यही तो कर, चारों ओर से घेरने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अभी सफलता मिली। वहाँ कल कोने में बिल्कुल पकड़ लिए थे, पैर के बगल से निकला, लगा कि पैरों में लेके चला गया। जरा सोचिए इनकी दहशत का आलम। ये हर रोज भेड़िए को देखते हैं जो इनके गाँव के आस पास ही चक्कर काट रहा होता है, कभी पंजा मार कर निकल जाता है तो कभी छूते हुए भाग जाता है। इधर से शोर आ रहा, देखिए इधर से,
इधर से शोर आ रहा कोई? ये तीन चार करके आते हैं सर, एक इधर गांव के होता है, एक उधर होता है, बहुत दिक्कत किया हुआ है, हम लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। गांव में मैं देख रहा हूँ कि बार बार, मुझे और भी लोगों ने बताया है दीवानपुरा के, कि बार बार रोज भेड़िया देखा जा रहा है। जिस दिन से लड़के को उठाया है उस दिन से डेली पूरी रात परेशान होते हैं हम लोग। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को आपने देखा। कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी भी मौके पर पहुंचे थे। वो गांव वालों से बात कर रहे थे और फिर बिल्कुल वही तस्वीर नजर आई। फिर यहां भेड़िया आया, लोग मार रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कहां है? यहां, यहां पर कहां? यहीं से आवाज आई? कहां से यहाँ कहीं से आवाज आई भेड़िए की? सारे गांव वाले एक साथ दौड़ करके, कुछ लोगों ने वहां से आवाज लगाई और वो भेड़िया भागता हुआ यहाँ कहीं आया है। आइए कोशिश करते हैं, अगर भेड़िया दिख जाए तो। ये गांव वाले अपने सुरक्षा के लिए देखिए कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। मैंने भी हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ले रखी है कि पता नहीं भेड़िया कहाँ आ जाए। भेड़िए की तलाश में गांव वालों के साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी भी खेतों के बीच जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर पूरी भीड़ आदमखोर भेड़िए को तलाश करती है। टॉर्च की रोशनी के जरिए खूनी भेड़िए का सुराग तलाशा जाता है। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और अंदर तक जाकर के देखने, हालांकि डर थोड़ा बहुत तो हम सभी को लग रहा है, क्योंकि इन घने जंगलों में, घनी झाड़ियों में कहीं भी भेड़िया हो सकता है। और इसके बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। जो गांव वाले भेड़िए के पीछे खेत में भाग रहे थे, उनमें से एक के पैर पर पंजा मारकर भेड़िया फिर से भाग जाता है। क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया है साहब, दिखाई दिया। पंजा मार का चला गया साहब, ये दे। पंजा मार दिया, ये देखिए, ये अभी हम जिस भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, ये देखिए, ये भेड़िए ने इनके कानों पर पंजा मारा। कैसा है मरियल साहब? अरे बहुत तगड़ा है साहब, तगड़ा है। हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम अतना है गर्दना उसका। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत भारी है। हाँ, मैं वहाँ से निकला जैसे। हाँ, मेरे आगे आगे चल रहे थे आप, मैं देखा। सबसे आगे यहाँ था। हाँ, मेरे को पंजा नाखून मार दिया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो बाकी इसी जंधरी के खेत में इसी में खो गया। बहराइच में भेड़िया 9 लोगों को मार चुका है, जिसमें 8 बच्चे शामिल है। बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारने वाला भेड़िया कहाँ से आता है और कहाँ छिप जाता है, ये रहस्य 45 दिनों से बना हुआ है। वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें जाल बिछाकर लगी हुई हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िया अब तक गिरफ्त से बाहर है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.